हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का सैफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, मलाई सोया चाप। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में मलाई सोया चाप कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मलाई सोया चाप के लिए मैंने ली है 300 ग्राम चाप। अब मैं इसको सबसे पहले बॉईल कर लूँगा, आपको भी दिखाता हूँ आपने कैसे उबालना है इसको। आपने उबलते हुए पानी में सबसे पहले डालना है नमक। नमक डालने के बाद आप चाप भी डाल दें। मैं जब भी कोई चीज़ उबालता हूँ उसमें नमक ज़रूर डालता हूँ ताकि उसमें अंदर तक नमक चला जाए, तब आप खाएं तो आपको थोड़ा टेस्ट आए। ये देखिए चाप उबल चुकी है। आप कैसे पता करें उबली या नहीं, तो आप क्या इसको टच करेंगे ना तो ये हाथ में नहीं चिपकेगी, मतलब नहीं चिपकी तो हो गई है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले गैस बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन हमारे पीस 5 हैं तो मैं इसे टोंग से निकालूंगा। इस तरीके से आप निकाल लें, छानने का कष्ट ना करें क्योंकि ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। अब आपने क्या करना है, ये निकाल देना है इस तरीके से। ये आसानी से निकल जाती है उबलने के बाद, और ऐसे चॉपिंग बोर्ड पर रख लें, ये देखिए। या फिर आपको गर्म लगे तो आप इसको ठंडा भी कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गर्म गर्म में निकालें, लेकिन हम लोग को क्या है, सबर नहीं होता है। हम सोचते हैं कि जो काम है उसको फटाफट ख़त्म कर लें फिर आगे बढ़ें। अब आपने इसको काट लेना है। काटना आपने अपनी सुविधा के हिसाब से, आप चाहें तो इसको 2 भी काट सकते हैं या 3 काटें, 3 ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं 3 काटूंगा। 3 में क्या होगा, छोटे छोटे होंगे तो मसाला अच्छे से लग जाएगा और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो आपने इस तरीके से सब काट लेना है, मैं भी ऐसे ही काट लूँगा। ऐसे काटने के बाद आपने ये डालना है, ऐसे डिप बॉल में डाल दें। डिप बॉल में डालने के बाद आपने इसमें डालना है थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा इलायची पाउडर, वाइट पेपर और नमक। आप चाहें तो डालें या तो ना डालें, क्योंकि हमने उबालने के टाइम पे डाला हुआ है। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। आप गरम गरम में जब मसाले डाल देंगे ना तो मसाले अच्छे से चिपक जाएंगे, ये देखिए। अब आपने इसको रख देना है साइड में, आराम से ठंडा होने दें। चाप को हमने फर्स्ट मैरिनेट कर दिया है, अब हम बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए लिया है मैंने एक डिप बॉल। डिप बॉल के अंदर मैं सबसे पहले डालूंगा हैंग कट 2 टेबल स्पून, उसके बाद काजू पेस्ट 2 टेबल स्पून। मैंने आपको पहले भी बताया आपने काजू भिगा के सिर्फ पीस लेना है। उसके बाद क्रीम 2 टेबल स्पून, और जो मसाले हमने डाले थे मैरिनेशन में वो इसमें भी डालेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर, कसूरी मेथी पाउडर, वाइट पेपर, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपने लेना है अमूल चीज़, टेबल के ऊपर डालना है। इस तरीके से आप टेबल पे डालें, ग्रेट किया हुआ या फिर ऐसा ले लें, और इसको आपने मसल लेना है। ऐसे मसलने के बाद आपने इसको डाल देना है मसाले के अंदर। ये मसलते क्यों हैं, अगर आप ऐसे डायरेक्ट डालेंगे तो ये मिल नहीं पाएगा, मसाले में मिलेगा नहीं, दाने दाने रहेंगे, तो इसलिए इसको मसलते हैं। इस तरीके से आपने डालना है और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिला लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स करें, सब मिल जाए, ये ऐसे सारी मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए ऐसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चाप जो हमने मैरिनेट करके रखी थी, और हल्के हाथ से मिलाएंगे इसको। ये चाप है, आप इसको ऐसे ज़ोर से भी मिला सकते हैं क्योंकि ये टूटेगी नहीं, पनीर होता है तो वो टूट जाता है। ऐसे आपने इसको मिक्स करना है और इसको रख देना है फ्रिज के अंदर कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप एक दिन भी रख सकते हैं। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और चाप भी बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब मैं आपको ये सीख में लगा के दिखाता हूँ। सीख आप अपनी पसंद से ले लें, मैंने गोल लिए, लेकिन ज़्यादा मोटी ना लें। और इस तरीके से आपने लगा देना, ये देखिए ऐसे, और लगाने के टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ी जगह रखना है, ऐसे गैप होना चाहिए दोनों के बीच में, एकदम चिपका ना दें। अब मैं इसी तरीके से सब लगा लूँगा, आप भी ऐसे ही लगा लें। ये देखिए आपने शुरू से और आखिर तक देखना है मैंने कितनी अच्छी तरीके से लगाया है। गैप देखिए आप, मैंने कितनी जगह रखी है, ऐसे ही आपने जगह रखनी है।
और अगर आपको लगे मसाला कम है तो आप इस तरीके से मसाला लगा लें, ऐसे आपने मसाला लगा लेना है, अच्छी तरीके से सब लगा लें जितना आपको चाहिए। और आपने ये डाल देना है तंदूर के अंदर, इस तरीके से डाल दें और आपने तुरंत लगा देना है इस पे ढक्कन। जब तक हमारी चाप हो रही है तब तक हम इसके लिए एक मसाला बना लेंगे, हल्का सा आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। आपने आपने लेना है एक डिप बोल, उसके अंदर आपने डालना है 2 चम्मच फ्रेश क्रीम और आपने डालना है 1 चम्मच बटर मेल्ट किया हुआ। आप मेल्ट कर लें हल्का सा, मैक्रो मार लें। उसके बाद आपने डालना है इसमें चाट मसाला और थोड़े से धनिए के पत्ते। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको ऐसे चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लेना है। अब जो हमारी चाप तैयार हो रही है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, तब आपको आएगा असली मज़ा मलाई चाप खाने में। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, क्योंकि चाप में सब कुछ पका होता है, हम इसको पहले बॉईल करते हैं, बस आपने इसको गर्म करना होता है और मसाले इसमें चिपक जाएं। अब ये हो गई है, अब मैं इसको निकाल लूंगा फटाफट। अब आपने इसको निकालने से पहले हमेशा की तरह आगे से सीख को साफ कर लेना है इस तरीके से और इसको निकाल लेना है फटाफट ऐसे, क्योंकि आज तो हमने इसको बॉल में ही निकालना है, तो आप फटाक से इसको निकाल सकते हैं। ऐसे निकालने के बाद आपने इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। देखिए आज आने वाला है बहुत ही मज़ा आपको चाप खा के। ये क्रीम बटर चाट मसाला और धनिया लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इससे क्या है जो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखिए शानदार तैयार हो गई चाप। अब मैं इसको डाल दूंगा प्लेट के अंदर, इस तरीके से आपने प्लेट में लगा देना है, आज सजाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे डाल दें। और कलर देखिए आप, मज़ा आ जाएगा, मुँह में पानी आ रहा है बस। ये देखिए शानदार, मुझे उम्मीद है आप ऐसे ही ठेले पे खाते होंगे और इसी तरीके से वो आपको डाल के देता होगा। अब बस आपने ऊपर डालने थोड़े से धनिया के पत्ते। ये देखिए एक शानदार बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार है आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। आज मैं आपके लिए लेके आया मलाई सोया चाप और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आप आसानी से कैसे बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए